हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का 6th लेक्चर है। इसमें आज हम जो है वो स्प्रिंग पेंडुलम का डिस्कशन करेंगे और सीरीज और पैरेलल उनके कनेक्शन का भी करेंगे, जिसमें कि कंबाइंड फोर्स कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है ना। कल हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम का डिस्कशन किया था, हमें जरा एक क्वेश्चन छोटा सा जरा ध्यान दें उसके बारे में, फिर आगे हम करते हैं डिस्कशन। सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फार्मूला था टी इज इक्वल टू 2π√L/g। इसमें यह लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है? सस्पेंशन पॉइंट से जो बॉब है उसके सीएम तक, ठीक। अगर मान लीजिए किसी बॉब में स्फेरिकल है बॉब और उसमें लिक्विड फिलअप करते हैं टोटली, तो अगर किसी स्फेरिकल बॉडी में लिक्विड फिलअप होगा तो जो स्फेरिकल बॉडी होती है उसका सेंटर भी यहीं पर होगा बीच में, और जो लिक्विड फिलअप करेंगे उसका सेंटर भी यहीं होगा। तो जो थ्रेड आप अटैच करते हैं उसमें सस्पेंशन पॉइंट से यहां तक की लेंथ इसमें एल डाली जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें जो लिक्विड फिलअप किया हुआ है उसको लीक कर दें, होल कर दें, तो लिक्विड बाहर निकलने लगेगा, क्या होगा कि लिक्विड का लेवल धीरे 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 डाउन होगा। जब लिक्विड का लेवल धीरे धीरे डाउन होगा तो जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे चला जाएगा, कन्फर्म है ना। सेंटर ऑफ मास अगर नीचे जाएगा, क्योंकि लिक्विड का मान लो इतना लिक्विड है तो सीएम उसका नीचे होगा, ठीक है ना, अगर इतना लिक्विड होगा, ठीक, तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। लेंथ इंक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब ये लिक्विड पूरा निकल जाएगा तो आप समझ रहे होंगे जब हॉलो हो जाएगा तो फिर सीएम बीच में आ जाएगा ना। तो जब सीएम फिर बीच में आ गया, क्योंकि लिक्विड सारा निकल गया, तो जब सीएम फिर बीच में आ गया तो टाइम पीरियड फिर उतना ही हो गया। इसका मतलब है पहले टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज होगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगा। तो छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर किसी कोई भी क्वेश्चन हो आप जो रिलेटेड फार्मूले को देखें और उसमें देखें कि उसमें क्या वेरिएशन हो रहा है, उसके हिसाब से आंसर दें, ऑब्जेक्टिव में लगाएं। समझ गए होंगे ना बात को, ठीक। हाँ, अब आप स्प्रिंग पेंडुलम को नोट करें और हेडिंग डालें वाइब्रेशन ऑफ हॉरिजेंटल स्प्रिंग। इसमें दो तरह के केस हैं, एक हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल। लिखिए वाइब्रेशन ऑफ हॉरिजेंटल स्प्रिंग, ब्रैकेट में लिख देना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, वाइब्रेशन ऑफ हॉरिजेंटल स्प्रिंग, ब्रैकेट में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये इसका डायग्राम है, इसमें ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मास नहीं लेते हैं फिलहाल, स्प्रिंग मास लेस है, इसमें ये ब्लॉक अटैच है उसका मास एम है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इसकी ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल है कि इसको आप एक तरफ अगर एक्सटेंड करके छोड़ देंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगी, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल का केस सिंपल होता है, आप डायग्राम बनाकर नीचे लिखें। लिखिए सपोज ए मास एम इज अटैच्ड, सपोज ए मास एम इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ मास लेस स्प्रिंग, सपोज ए मास एम इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ मास लेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, with its other end fixed, with its other end fixed to the rigid support, with its other end is fixed with rigid support to a rigid support. If mass be displaced through a distance x, if mass be displaced, इस मास को हमने यहाँ आगे डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ ले आए, कंप्रेस करें या एक्सटेंड करें, ये इसकी मीन पोजीशन होगी। जितना आप इस तरफ लाएंगे वो एम्पलीट्यूड का काम करेगा और उसके मीन पोजीशन के अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। तो एट एनी इंस्टेंट ले रहे हैं एक्स पर, ठीक है। हाँ, इफ द मास बी डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस एक्स देन री स्टोरिंग फोर्स, क्या होता फार्मूला रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा,
एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और बाई न्यूटन्स लॉ से एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, इसे माइनस के एक्स के इक्वल करें, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ऐसा जब SHM की डिफिनेशन कर रहे थे तो तब भी किया था, सेम एक्सप्रेशन आता है यहाँ पर। और इसके बाद बाई डिफिनेशन ऑफ SHM, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। कंपेयर कर दें इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को बाय कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के ओवर एम, ओमेगा टू पाई बाई टी के इक्वल होता है, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एम ओवर के। एम मास है जो अटैच है और के स्प्रिंग कांस्टेंट है। कोई अदर भी होते हैं तो उसमें हम इनर्शिया फैक्टर और स्प्रिंग फैक्टर ले लेते हैं। आपको ध्यान होगा जो बेसिक डिफिनीशन हम लोगों ने लिखी थी उसमें इसका यूज किया था। फ्रिक्वेंसी ध्यान रखना, अगर फ्रिक्वेंसी कभी आए तो उसको इन्वर्स कर देना इसका, ठीक है ना, टाइम पीरियड का अपोजिट, अभी सेकंड केस नोट नहीं करना। ये नोट हो गया आपका, t इज इक्वल टू टू पाई रूट एम ओवर के हो गया ना। इसके बाद आप हेडिंग डालें वाइब्रेशन ऑन वर्टिकल स्प्रिंग। ये हॉरिजॉन्टल थी, अब वर्टिकल की स्टडी करेंगे, वाइब्रेशन ऑन वर्टिकल स्प्रिंग। ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल में जो मीन पोजीशन है उसमें जरा ध्यान देना इस बात पर कि उसकी जो मीन पोजीशन होती है उसमें स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होती है। मेरी बात समझ में आ रही ना, जो अभी डायग्राम बनाया था हॉरिजॉन्टल का उसमें जो मीन पोजीशन है उसमें स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। नेचुरल लेंथ है ना, आपने उसको एक्सटेंड करेंगे या कंप्रेस करेंगे। यहाँ वर्टिकल में केस दूसरा होता है, ये वर्टिकल स्प्रिंग है, इसमें कोई मास अटैच नहीं है। अगर इसमें हम मास अटैच कर देंगे तो एमजी फोर्स नीचे लगेगा और केएक्स ऊपर लगे, जितना एक्सटेंशन हो जाए अभी देखते हैं, ठीक। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है इसकी, समझ रहे ना बात को। उसके बाद इस मास को नीचे खींच कर छोड़ दो तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, समझ गए ना बात। तो थोड़ा सा फर्क है दोनों में, हॉरिजॉन्टल में क्या था इक्विलिब्रियम में, उसमें नेचुरल लेंथ पर था, लेकिन यहां इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो ये बीच वाली है ना, इसमें ऑलरेडी एक्सटेंडेड है ये, है ना, तो ये नेचुरल लेंथ पर नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरी बात, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो बैलेंस होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, उस समय इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो डायग्राम अब बना ले आप, और हम इसकी लेंथ को यहाँ पर एल डेस ले ली हमने टोटल, ये लेंथ एल इंक्रीज की तो एम जी डाउनवर्ड लगेगा और ऊपर को इसमें फोर्स लगेगा कितना के एल, और फिर इसको वाई डिस्प्लेस कर दिया। एक्चुअली में जो डिस्प्लेसमेंट आता है ना वो मीन पोजिशन के बाद आता है, देते हैं y उसको और डिस्प्लेस कर दिया। सेकेंड केस में फोर्स के एल ऊपर को लगेगा, हमने एल लेंथ ले ली है सेकेंड केस में, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, जब भी आप क्लास में डेरिवेशन करें तो लिख देना कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो स्प्रिंग का k है। तीन डायग्राम बनाना वहां पेपर में, ये इक्विलिब्रियम के बाद इसको y नीचे डिस्प्लेस कर लिया, ये इक्विलिब्रियम की जो डॉटेड लाइन हमने यहां पर खींची है उसी के अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन ऊपर नीचे करेगा। ये सभी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए होती है थ्योरी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वाई आप एल से ज्यादा यहां खींच दें तो ये ऊपर जाके कंप्रेस होने लगे ज्यादा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हाँ
ये है इक्विलिब्रियम की लाइन, नेचुरल है, इसमें तो ब्लॉक हमने अटैच ही नहीं किया है, ये तो फ्री है बिल्कुल, ठीक है ना। जब मास इसमें अटैच कर दिया, और ये आगे बताएंगे कि इसको जब मास अटैच करते हैं तो स्लोली स्लोली इसको छोड़ दीजिए, यहां रुक गया, बैलेंस हो गया, mg नीचे kl ऊपर, नेट बैलेंसिंग इक्वेशन है, नेट फोर्स जीरो। अब इसको थोड़ा सा y डिस्टेंस नीचे लेकर छोड़ दें तो इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा। लिखिए कंसीडर ए लाइट, कंसीडर ए लाइट एंड हाईली इलास्टिक, ये वर्ड आप किसी भी डेरिवेशन स्प्रिंग में लिख देना, कंसीडर ए लाइट एंड हाईली इलास्टिक मासलेस स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, ये ऊपर वाला जो सपोर्टिंग है ये रिजिड सपोर्ट है, फ्लेक्सिबल नहीं है, सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट लिखा, लेट ए बॉडी ऑफ मास एम बी अटैच्ड, लेट ए बॉडी ऑफ मास एम बी अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ स्प्रिंग, टू द लोअर एंड ऑफ स्प्रिंग अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ रीस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाई रीस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू माइनस के एल, एफ डैश कर देना ठीक, और एट इक्विलिब्रियम एफ डैश प्लस एम जी इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि एम जी के एल के इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर मैग्नीट्यूड आप देखें तो यहां पर जो है वो आपका के एल इज इक्वल टू एम जी होगा, आप लेंथ में कहीं जरूरत पड़े तो एम जी बाई के लिख सकते हैं, बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब बॉडी को पुल्ड करेंगे डाउन साइड, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वाला थोड़ा इससे इजी है। देखिए लेट द बॉडी बी पुल्ड डाउनवर्ड, लेट द बॉडी बी पुल्ड डाउनवर्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस y, लेट द बॉडी बी पुल्ड डाउनवर्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस y, देन टोटल एक्सटेंशन इज इक्वल टू y प्लस l, y a l a, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ है, टोटल एक्सटेंशन हुआ y प्लस l, देन टोटल एक्सटेंशन इज इक्वल टू y प्लस l, लिखे f2 बी द री f2, आपने वहां पर f डैश लिया है, f लिख दो, लेट f बी द रिस्टोरिंग फोर्स, तो कितना लगेगा इस समय रिस्टोरिंग फोर्स बताइए, k l प्लस y, किधर लगेगा अपवर्ड को लिख दीजिए, देन रिस्टोरिंग फोर्स माइनस कर दो, या तो अपवर्ड लिखना पड़ेगा नहीं तो माइनस लगा दो, माइनस का मीनिंग ही है कि अपवर्ड है यहां पर। अब लिख दिए इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स, इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स, देखो इफेक्टिव इसलिए है कि जब mg तो इसमें वैसे ही डाउनवर्ड यहां पर लग रहा है, ये वाला फोर्स mg, और ऊपर को जो फोर्स लगेगा वो के एल प्लस वाई होगा, तो जो इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स है आपका वो के एल प्लस वाई माइनस में ले लें और प्लस एम जी,
एमजी की जगह आप केएल पुटअप कर सकते हैं, तो केएल कैंसिल हो जाएगा, तो इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के वाई हो गया। यहां नेक्स्ट लाइन में आप पुटअप कर देना माइनस केएल माइनस के वाई और प्लस केएल, केएल कैंसिल कर दें और इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के वाई। कुल मिला के आता उतना ही है जितना हॉरिजेंटल में है, सेम एक्सप्रेशन है, केवल थोड़ा सा थ्योरी में डिफरेंस है, वो ठीक से नोट करना वहां। अब आप आगे वर्किंग कर लें, फोर्स को किसके इक्वल करेंगे, के वाई इज इक्वल टू एम ए, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू वाई। और यहां पर ध्यान रखना चाहे कोई भी डेरिवेशन हो, जब ए प्रोपोर्शनल वाई आ गया तो क्या लिख देंगे, जैसे कल लिखा था, हेंस बॉडी या पार्टिकल एग्जीक्यूट एस एच एम, ये तो जरूरी लिख देना सब में, जैसे ही ए प्रोपोर्शनल वाई आया। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन आप कंप्लीट कर लें, एस एच एम एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, कंपेयर कर लें, इसे इक्वेशन वन डाल दें, इसे इक्वेशन टू डाल दें, कंपेयर करने पर एक जैसी थ्योरी है सब जगह, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के ओवर एम, ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी लिखें और टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एम ओवर के, ये बन गया डेरिवेशन। आप लोगों ने ये स्प्रिंग का डायग्राम बना लिया है, ठीक। स्प्रिंग के डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम नेचुरल लेंथ पर है, सेकंड इक्विलिब्रियम पर है, तीसरा एक्सटेंडेड है। सिंबल कोई भी ले लेना, F1 चाहे F2 ले लें, नेट फोर्स F दिखा दें, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नोट है, रिस्टोरिंग फोर्स ठीक से लिखना है, इज इक्वल टू माइनस के वाई, उसे एम ए के इक्वल करें, एक्सीलरेशन को माइनस के ओवर एम इंटू वाई, नोट कर लिया। ये जो कल हमने बताया था कि एनर्जी मेथड और दोनों लगते हैं, इसमें एनर्जी मेथड एक्चुअली में स्प्रिंग वाले जो सिस्टम होते हैं ना, वो एनर्जी मेथड से लगाना आसान पड़ते हैं कंपेरेटिवली उस मेथड, फोर्स मेथड से। तो एनर्जी मेथड डालें और जरा बताएं कौन कौन सी एनर्जी होगी, दोनों में ही स्प्रिंग ब्लॉक अटैच है, कौन कौन सी है एनर्जी बोलो, कितनी एनर्जी पड़ते ही हो, काइनेटिक और पोटेंशियल दो ही तो होती हैं, तो पोटेंशियल कितनी होगी यहाँ बोलो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बोलो, हाफ के एक्स स्क्वायर, किसकी ये एनर्जी है, ये है स्प्रिंग की, ये ब्लॉक हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, ब्लॉक मास एम का अटैच है, इसी एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी वी होगी, हाँ स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है फार्मूला, ये एनर्जी आप क्या करें बोलो, कल वाला मेथड बताओ, एनर्जी कांस्टेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक, इसको डिफरेंशिएट कर दें, बाद में जीरो कर देंगे, चलो बोलो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स डी एक्स वाई डी टी प्लस हाफ एम ट्वाइस वी डी बी वाई डी टी, और जीरो कर दीजिए स्प्रिंग को, ये टू कैंसिल करें, ये टू कैंसिल करें, डी एक्स वाई डी टी की जगह वेलोसिटी नोट कर दें, के एक्स वेलोसिटी प्लस मास एम बी और इंटू एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी को कट करें, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, हमने एक्स ले लिया है वहां हमने वाई लिखा है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ वाई कर दे रहे हैं,
आप समझ गए होंगे मेरी बात को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये k ओवर m इंटू वाई, आप समझ गए, यहाँ एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई हो गया। और फिर क्या करेंगे, डिफिनेशन से ओमेगा स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख दे रहे, के वाई एम के इक्वल होगा ओमेगा रूट, आप नोट करें ओमेगा टू पाई बाई टी, इससे हमारा टाइम पीरियड बन गया टू पाई रूट एम ओवर के। ये मेथड बहुत आसान होते हैं स्प्रिंग एनर्जी वाले, टोटल एनर्जी निकालिए सिस्टम की और उनको प्लस करें कांस्टेंट, जैसे कल किया था। कल में पोटेंशियल एनर्जी में हम जी एच आ रहा था, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की है हाफ के एक्स स्क्वायर। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया है ट्वाइस v dv by dt, dv by dt की जगह एक्सीलरेशन लिख दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और जहां dy by dt लिखा है वहां पर वेलोसिटी नोट कर, x लिखो या चाहे y लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप x भी लिख सकते हैं, तो लिख दिया यहाँ y, कोई वो नहीं है। हाँ लिख दिया, इसके आगे आप हेडिंग डालें, एजम्पशन लिए हैं इसमें कुछ, वो नोट करें एजम्पशन। स्प्रिंग मासलेस है ना, वैसे स्प्रिंग का मास अगर हो ना तो उसका फार्मूला में अभी नोट करा देंगे, उसका मास 1/3 ऐड हो जाता है, उसका भी डेरिवेशन होता है अलग से, अगर स्प्रिंग का मास है तो। यानी मास एम, यहाँ पर मास एम किसका है, ब्लॉक का है, स्प्रिंग मासलेस है, ठीक है ना, आइडियल स्प्रिंग है, ठीक है ना, के उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। लिख लिया, आगे हेडिंग डालें एजम्पशन, और उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है स्प्रिंग इज मासलेस, स्प्रिंग इज मासलेस। सेकेंड पॉइंट नोट करें, इट वाइब्रेट्स विद इन इलास्टिक लिमिट, इट वाइब्रेट्स विद इन इलास्टिक लिमिट, सो हुक्स लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल, इट वाइब्रेट्स विद इन इलास्टिक लिमिट, सो हुक्स लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल। ये फिजिकल टू माइनस के एक्स जरूर लगना चाहिए, हुक्स लॉ जो है ना उसमें अदर पैरामीटर आगे होते हैं, उसमें निगलेक्ट करके लिया गया या फिजिकल टू माइनस के एक्स। थर्ड पॉइंट, द मोशन ऑफ स्प्रिंग थ्रू एयर इज नॉट अफेक्टेड बाई, मोशन ऑफ स्प्रिंग थ्रू एयर इज नॉट अफेक्टेड बाई एयर फ्रिक्शन, बाई एयर फ्रिक्शन। लिखा इस फार्मूले के अंदर, आप एक पॉइंट पर जरा ध्यान दें, आपने फार्मूला बनाया है T इज इक्वल टू टू पाई रूट एम ओवर के, यही बनाया ना। आप अपनी फर्स्ट जो दोनों डेरिवेशन है उसमें ध्यान रखना, हमने एम जी इज इक्वल टू के एल सेकेंड में देख लें, सेकेंड वाले में एम जी इज इक्वल टू के एल लगाया है, फर्स्ट इक्वेशन चेक करें है। तो अगर हम यहां पर चाहें, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन थी तो के एल ऊपर लग रहा था, एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, अगर एम ओवर के की जगह अगर हम इसकी वैल्यू पुटअप कर दें तो टी इज इक्वल टू रूट एल ओवर जी हो जाएगा, चेक करो हो जाएगा ना। इसको देख के ऐसा लगता है कि ये स्प्रिंग पेंडुल, इसमें एल क्या है, इसमें लेंथ नहीं है उसकी, इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एक्सटेंशन है एल, है ना। तो जो स्प्रिंग पेंडुलम होता है वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, लेकिन ये ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता है,
पहली बात, क्यों? अगर ग्रेविटी बढ़ेगी जी तो लेंथ एल भी बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? इसको मतलब ये इससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो गया। पहली बात, एल इसमें लेंथ वो नहीं है जो स्प्रिंग सिंपल पेंडुलम में है, ये स्प्रिंग पेंडुलम का एक्सटेंशन एल है। समझ में आ रही बात? तो इसमें ये जो जो क्लॉक होती हैं स्प्रिंग पेंडुलम के जो बेस पर होती हैं वो हमेशा करेक्ट टाइम देती है। जैसे कल आपने लिखा था कि ग्रेविटी चेंज हो गई हाइट के साथ डेप्थ के साथ, तो वहाँ टाइम चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होता है क्योंकि यहाँ ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट है फार्मूला। ठीक, नोट करें ये बात नीचे। देखिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी, देखिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी। हाँ, आप उसमें डायग्राम में देखें स्प्रिंग वाले में सेकंड वाई क्यों यल है, वहां यल हमने लिखाया है सेकंड डायग्राम में, वहां एम जी डाउनवर्ड लग रहा है सेकंड डायग्राम, स्प्रिंग में के एल ऊपर लग रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एक्सटेंशन है, और अगर एम जी बढ़ेगा तो वो एल भी बढ़ेगा। समझ गए ना? नोट करो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अभी तो लिखा अभी भूल गए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी, एज जी चेंजेस एल आल्सो चेंज। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी, एज जी चेंजेस एल आल्सो चेंज। क्लॉक बेस्ड ऑन स्प्रिंग पेंडुलम, क्लॉक बेस्ड ऑन स्प्रिंग पेंडुलम कीप करेक्ट टाइम एनी वेयर। क्लॉक बेस्ड ऑन स्प्रिंग पेंडुलम कीप करेक्ट टाइम एनी वेयर। आपने फार्मूला नोट कर लिया ये, और एक बात ध्यान रखना, अगर होम एग्जाम में आता है तो इसको अननेसेसरी चेंज ना करें। बात समझ गए ना? जरूरत नहीं है, वहां सीधे अपना फार्मूला लिखें, फार्मूला ये है ये नहीं है, समझ गए ना? और इसमें ग्रेविटी आती नहीं है इसलिए उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, एम जी को के एल के इक्वल करें और टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एल ओवर जी लिखते हैं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, और उसमें नीचे फर्स्ट पॉइंट डालें, स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल, स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल। लिखिए इस, लिखिए अब आप डायग्राम बनाएं, इसमें ये दो स्प्रिंग हैं, ऊपर ये हमने किसी रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर रखा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, नीचे एक साथ बांस अटैच कर लिया है। आपको अगर ये बात समझ में आ रही है कि ये पैरेलल में है, सेकेंड डायग्राम को देखकर बताएं कि ये सीरीज है कि पैरेलल है। ये तीनों डायग्राम पैरेलल हैं क्योंकि आपने हेडिंग डाल रखी है स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल। ये तीनों ही डायग्राम पैरेलल के हैं। अब आप जरा यहां पर डायग्राम को समझने की कोशिश करें। पैरेलल की आप पहचान ऐसे समझ लें, जैसे रेजिस्टेंस में अगर टेंथ में ध्यान हो कि जैसे ये दो रेजिस्टेंस हैं, इनके ये जो दो पॉइंट होते हैं स्टार्टिंग, ये एक जगह कनेक्ट होने चाहिए और ये एक जगह कनेक्ट होने चाहिए। आपने देखा होगा कि बैटरी से जो करंट जाती थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती थी। सीरीज ऐसे होता है डायरेक्ट, जो करंट इधर से हो, या वाटर फ्लो वो भी लेते हैं, ठीक है, वाटर करंट होती है तो वाटर फ्लो सीरीज में ऐसे है तो पैरेलल है, ये दोनों कनेक्ट, ये दोनों कनेक्ट। अब आप डायग्राम चेक करो, इनका एक सिरा दोनों कनेक्ट है, नीचे ये दोनों कनेक्ट है एमजी से, ठीक। इसके बाद ये डायग्राम चेक करें, इसमें ये स्प्रिंग कांस्टेंट के वन के टू वहां लिख देना दोनों का। ये देखिए, एक और बात बताएं, जब ये एमजी यहां पर नीचे एक्सटेंड होगा तो इन दोनों में एक्सटेंशन इक्वल होगा और डायरेक्शन भी एक ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये एक्स नीचे एक्सटेंड हो गया तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, के टू एक्स, हाँ माइनस हमने ऊपर लिख दिया है, आप लिख सकते हैं वैसे माइनस के वन एक्स, अपवर्ड डायरेक्शन लगा दिया हमने, ठीक, और एम जी डाउनवर्ड लगेगा। जरा यहां पर ध्यान देना, अगर हम इस मास को
राइट में डिस्प्लेस कर दें तो ये क्या होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, होगी कंप्रेस। किधर फोर्स लगेगा इसमें, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट लगेगा। कितना लगेगा? ए टू एक्स। मान लीजिए एक्स डिस्प्लेस की, ये एक्सटेंडेड हो गई, इसमें किधर लगेगा? इसमें भी इसी तरफ लगेगा, क्योंकि ये एक्सटेंड हो गई है। दोनों डायरेक्शन सेम है, इसमें भी दोनों डायरेक्शन सेम है। इसमें स्प्रिंग को नीचे दबा दो तो ये कंप्रेस हो गई, किधर फोर्स लगेगा? ऊपर को। ये एक्सटेंड हो गई, किधर फोर्स लगेगा? ऊपर को, ऊपर खींचेगा। तो सभी में डायरेक्शन सेम है। दूसरी पहचान समझें, हमने जो मेन पॉइंट यहां बताया था कि इनके दोनों पॉइंट एक जगह अटैच है, इसके भी एक जगह अटैच है। यहां चेक करो, ये दोनों पॉइंट एक जगह अटैच है, ठीक है। और ये एक तरह से समझ लो अर्थिंग है, ये बेस है, और यहां से ये दोनों इधर से आपस में अटैच है, ये यहां से अटैच है दोनों, बिल्कुल ये यहां पर है, ये दोनों अटैच है। इसका मतलब अर्थिंग होता है, ये है तो रिजिड सपोर्ट, इलेक्ट्रिकल में अर्थिंग बोल देते हैं, समझ गए ना, यानी ये रिजिड सपोर्ट से अटैच है। तो जैसे ये रिजिड सपोर्ट है, वैसे ये भी रिजिड सपोर्ट है, दोनों सिमिलर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट है, और ये यहां पर कनेक्ट है। तो दो पहचान हमने बता दी, एक आपको के एक्स वाले से और एक इससे, समझ गए ना। इसमें ध्यान रखना, हमने इस तरफ एक कंप्रेस किया है एक्स, ठीक है ना। अगर इसमें हम डाउनवर्ड कंप्रेस करते हैं एक्स, तो इनमें जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लगेगा, के वन एक्स प्लस के टू एक्स। समझ में आ गई बात, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन को होंगे। एफ इज इक्वल टू के एक्स जो फार्मूला है, उसमें दोनों स्प्रिंग में किस चीज की सिमेट्री है यहां पर, मतलब क्या चीज इक्वल है? एक्स। ध्यान दें, हमारा फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स, इसमें एक्स सेम है, के अलग अलग है, इसका मतलब फोर्स भी सेपरेट होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहां जो फोर्स लग रहा है, अगर आपने इसको एफ वन लिखा तो ये फोर्स एफ टू, के वन और के टू स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। एरो हमने लगा दिया है, अब आप नीचे लिखें, लिखिए नेट स्प्रिंग कांस्टेंट के वन के टू लिया है, लिखिए के इज द नेट, के इज द नेट स्प्रिंग कांस्टेंट। अब नेट फोर्स बताओ कितना लगा, नेट फोर्स होगा एफ वन प्लस एफ टू, ये माइनस के वन एक्स, फिर माइनस के टू एक्स, माइनस के वन प्लस के टू कॉमन ले लो एक्स, इतना नेट फोर्स लग रहा है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। अरे इसमें इतना टेंशन की जरूरत नहीं है, ये फोर्स दिखा दिया, वहां हमने माइनस लगा दिया, आप चाहें तो माइनस लगा दें तब भी नहीं कटेगा। इसमें एरो, इसमें एरो अपवर्ड लगा है, वो बता रहा है कि ये के एक्स मैग्नीट्यूड है और ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है। हमने यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स लिख तो दिया माइनस में, हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स में माइनस लगाया, ठीक है, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आगे नोट करें, यहाँ पर देखिए, अगर नेट स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो जो आपने नेट फोर्स एफ निकाला है ये माइनस के एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में एक्स डिस्प्लेसमेंट है और के उसका नेट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस के वन प्लस के टू इंटू एक्स, एक्स कैंसिल कर दें तो के इज इक्वल टू के वन प्लस के टू। ये जनरलाइज्ड फार्मूला है, यानी कि पैरेलल में जो फार्मूला बनता है वो रेजिस्टेंस का अपोजिट बनता है। रेजिस्टेंस में बन अपान होता है ना पैरेलल के लिए, यहाँ पर डायरेक्ट होता के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, ठीक है। मोर देन टू हो तो और एड करते चले जाओ। ये डायग्राम बन गया है तीनों, साउंड ना कर, और फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए अपना लर्न रखना, ये इतना ध्यान रखो कि बस रेजिस्टेंस के रिवर्स फार्मूला यहां पर लगता है। नेक्स्ट लिखें सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन,
सीरीज कनेक्शन में जो है वो आपको मालूम है कि डायग्राम में स्प्रिंग जो है वो डायरेक्ट अटैच होंगी। जैसे ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसमें ये दूसरी स्प्रिंग अटैच कर दी और दोनों में ये मास हम लगा दिया। जैसे हम न्यूटन्स लॉ का जब चैप्टर पढ़ते थे तो तुम्हें याद होगा कि उसमें हम क्या करते थे कि टेंशन सेम होती थी, ये एक ही स्प्रिंग है, इसमें फोर्स सेम होगी दोनों में, बिल्कुल उसी तरह से मासलेस है ना इसकी वजह से। तो K1 और K2, लेकिन इनके जो एक्सटेंशन होंगे वो अलग अलग होंगे। इसमें एक्सटेंशन X1 और इसमें एक्सटेंशन X2 mg डाउनवर्ड लगेगा। हमने एक्सटेंशन लिखा है X1 और X2। तो पहले वाले में जो फोर्स लगेगा वो माइनस K1, फोर्स की वैल्यू दोनों में सेम इसलिए F लिखेंगे, माइनस K1 X1। दूसरे में फोर्स लगेगा वो भी इतना ही होगा, माइनस K2 X2, फोर्स सेम लगेगा। यहां पर एक लाइन लिख दें, लिखिए टू स्प्रिंग सफर डिफरेंट एक्सटेंशन, टू स्प्रिंग सफर डिफरेंट एक्सटेंशन X1 एंड X2, टू स्प्रिंग सफर डिफरेंट एक्सटेंशन X1 एंड X2 बट द रीस्टोरिंग फोर्स इज सेम, बट द रीस्टोरिंग फोर्स इज सेम इन ईच स्प्रिंग। अब आप इसके नीचे ये लिख दें चल जाएगा, X1 निकालें, X2 निकालें और नेट एक्सटेंशन X=X1+X2। इसमें X1 की वैल्यू डालेंगे, X2 की वैल्यू डालेंगे और X किसके इक्वल होगा बोलो, -F/K के। K क्या है यहां पर, इक्विवेलेंट स्प्रिंग लिख दो कांस्टेंट, नेट भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी वहां पर ध्यान रखना डेरिवेशन में, यहां X=X1+X2 करना है और उसमें फोर्स का सम करना होता है। वैल्यू पुट अप कर दो तीनों, एक्स की भी डाल दो और X1 X2 की वैल्यू भी पुट अप कर दो। एक्स की वैल्यू पुट अप करें और X1 X2 की भी वैल्यू डाल दो। ये सीरीज कनेक्शन है, इसमें डायरेक्ट अटैचमेंट है, उसमें डायग्राम कई बनते हैं, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है डायग्राम की। तो वैल्यू पुट अप कर दें, एक्स की जगह क्या आएगा, -F/K, इसमें -F/K1 -F/K2। ठीक, डेरिवेशन के लिए लर्न कर लेना, इसमें सीरीज कनेक्शन है, जैसे न्यूटन्स लॉ में टेंशन सेम होती है वैसे इसमें फोर्स सेम। ठीक, तो F=KX से पता लग जाएगा कि K1 K2 सेपरेट है तो X1 X2 भी सेपरेट होंगे। सीरीज कनेक्शन में क्या चीज सेम है, एक्सटेंशन सेम है। ठीक, वहां फोर्स का सम करेंगे, यहां इसको F को कैंसिल कर दो, माइनस हटा दो, फार्मूला बन गया K=1K1+1K2। जनरलाइज्ड फार्मूला है, अगर मोर देन 2 है तो आप रेजिस्टेंस की तरह जैसे वहां लगाते हैं वैसे यहां भी यूज करें। लिख लिया, नेक्स्ट लेगा पॉइंट लिखें, लिखे इफ स्प्रिंग इज कट इंटू एन पार्ट देन फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ ईच पार्ट इंक्रीज्ड बाई एन। यानी अगर हम किसी स्प्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक्चुअली मैं आपको अगर ध्यान हो हमने जब स्प्रिंग का आर्टिकल कराया था आपको न्यूटन्स लॉ में उसमें तो बताया था कि जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था और इसका वहां ग्राफ भी बनवाया था K versus L का, ये बनता है।
ठीक है ना, तो मास एक ही अटैच होगा। जैसे आपने मास एम जी अटैच किया किसी स्प्रिंग में, मान लीजिए ये आपने वर्टिकल ये स्प्रिंग है और इसमें मास अटैच कर दिया, तो एम जी फोर्स नीचे लगेगा, एक्सटेंशन एक्स हुआ तो ऊपर फोर्स कितना होगा, के एक्स। ठीक, अब अगर स्प्रिंग को आप एन पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन है वो एक्स वाई एन हो जाएगा। जैसे दो पार्ट में स्प्रिंग को ब्रेक कर दो, तोड़ दो, तो अगर मान लो एक स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर लेंथ इंक्रीज होगी तो हाफ पार्ट कितना होगा, 5 होगा। तो अगर किसी स्प्रिंग को आपने एन पार्ट में डिवाइड किया है तो इसका मतलब मास तो यही लगा रखा है, इज इक्वल टू के नया बन गया, के डेस एक्स जो था वो एक्स वाई एन हो गया। ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों को ये कंपेयर करते हैं और के डेस इज इक्वल टू एन के आ जाता है। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखें, जब स्प्रिंग कट करके आप छोटी कर देंगे ना तो उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है इसमें, टी इज इक्वल टू क्या था स्प्रिंग में, टी इज इक्वल टू 2π रूट बोलो एम ओवर के, है ना। तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, नीचे रूट टू रूट एन आ जाएगा, हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड आपका होगा टी डेज वो टी अपान रूट एन हो जाएगा। लेंथ अगर इंक्रीज कर देंगे तो फिर एन टाइम्स हो जाएगा। दोनों चीजें हैं ध्यान रखना, कट किया है या क्या वर्किंग कर रखी है। ये छोटा सा डेरिवेशन है, वैसे लर्न कर लें कि पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर किसी स्प्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया तो उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट डबल हो जाएगा, थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 times हो जाएगा। लिखा, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसी का नोट कर दें, अगर एन टाइम्स बढ़ाते हैं तो क्या होगा, लिख दिए, इफ द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, इफ द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज मेड टू एन टाइम्स देन इफेक्टिव स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू के वाई एन हो जाए, अगर एन टाइम्स बढ़ा दी लेंथ, इफेक्टिव स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू के वाई एन, तब बताओ टाइम पीरियड कितने टाइम्स हो जाएगा टी डेस, देन टाइम पीरियड टी डेस इज इक्वल टू रूट एन टी, टी हमारा ऑरिजिनल टाइम पीरियड है और टी डेस है जो बाद में आपने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है ना। तो आप स्प्रिंग को कट करें या एक्सटेंशन करें, उन दोनों ही केस में जो है आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से फार्मूले का यूज करेंगे, या ऑब्जेक्टिव में आए तो डायरेक्ट ध्यान रखना कितने टाइम्स उसको कर देते हैं। जरा मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो किसी रिजिड सपोर्ट से ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये मास लगा दिया, इसका टाइम पीरियड है टी इज इक्वल टू 2π रूट एम ओवर के, ठीक है। इस स्प्रिंग को दो पार्ट में कट कर दो, इसकी लेंथ एल है, दो पार्ट में कट किया ये दो पार्ट, और फिर इनको सीरीज में लगा दो, सेम मास लगा दो, अब टाइम पीरियड कितना होगा। इतनी जल्दी तो क्वेश्चन लगाते ही नहीं, क्वेश्चन तो लगाना पड़ेगा। जब इसको कट कर दिया तो एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा, इसका 2k हो जाएगा, और अब ये कनेक्शन कौन सा है, सीरीज। सीरीज कनेक्शन में जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट है 1/k इज इक्वल टू 1/2k प्लस 1/2k, तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट k के इक्वल होगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा, यानी कि ये दोनों डायग्राम टाइम पीरियड के हिसाब से इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। पहले कट किया दो पार्ट में तो एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, फिर इसका 2k, फिर सीरीज में लगा दिया तो सीरीज में नेट फिर k आ गया, तो यानी कि टाइम पीरियड सेम है, सेम मास अटैच है। तो एक पार्ट का 3k होगा, समझ गए ना, बढ़ा देंगे तो डिवाइड बाई कर दें, कट कर रहे हैं, ठीक है, कट ध्यान रखो, कट कर देंगे तो उतने डाउन हो जाएगा, ठीक है। नोट करें जल्दी डायग्राम, नहीं आप कैसे कनेक्ट करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा ना, टोटल क्या है यहाँ, तो ये वो तो टोटल है नहीं, अर्थमेटिक का कि 2+2 कर दिया तो टोटल आ गया, यहाँ तो चलेगा कि सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं या टोटल या पैरेलल,
तो पहले तो ये बताना पड़ेगा। तो सीरीज आपके सामने है, टू के लगाया, आप तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो थ्री के थ्री के थ्री के होगा, फिर उनको सीरीज में कर देंगे तो फिर के हो जाएगा। आप पैरेलल करें तो उनको सम करें तब बोले कि नाइन के होगा। तो कनेक्शन पर डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप से है। अरे बस समझ में। नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ ध्यान दें, ये कोई सपोर्ट में हमने अब स्प्रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना, हमने स्प्रिंग की बजाय यहाँ स्ट्रिंग अटैच कर दी है। एक इस टाइप के जो क्वेश्चन ये आते हैं कॉम्पिटिटिव में भी, और उसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें यंग मॉडल्स दिया होगा क्योंकि यहां पर स्ट्रिंग है। ठीक, यहां पर लिखें जरा, लिखिए इफ ए वायर ऑफ लेंथ एल, इफ ए वायर ऑफ लेंथ एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इफ ए वायर ऑफ लेंथ एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए यंग मॉडुलस वाई, यंग मॉडुलस वाई स्ट्रेस्ड बाई मास एम, स्ट्रेस्ड बाई मास एम, इसकी हम जो फोर्स का फार्मूला क्या था बताओ जरा, इस यंग मॉडुलस बता दो भाई, वो ध्यान होगा, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन डेल्टा एल ओवर एल, इससे फोर्स निकाल लो क्योंकि हमें एफ इजिकल टू के एक्स, हमने वहां भी नोट कराया है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वहां भी दिया हुआ है। तो एफ अपान ए इजिकल टू वाई एल डेल्टा एल, एफ इजिकल टू वाई ए ओवर एल डेल्टा एल, जरा ठीक से चेक करना, ये जो पैरामीटर है ये स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है क्योंकि एफ इजिकल टू के एक्स होता है। आ रही बात समझ में, ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसलिए यहां से के निकाल लो, स्प्रिंग कांस्टेंट यहां जो के का काम करेगा वो वाई ए ओवर एल करता है स्ट्रिंग में, और टाइम पीरियड के फार्मूले में वैल्यू पुट अप कर दो, टी इजिकल टू टू पाई रूट एम ओवर के, यहां के की वैल्यू डाल दो तो एल एम अपान वाई ए, ये फार्मूला बनता है स्ट्रिंग के केस में, वो स्प्रिंग था ये स्ट्रिंग, एम एल अपान वाई ए। और ध्यान रखना अगर स्ट्रिंग और स्प्रिंग आपस में सीरीज और पैरेलल अटैच हों तो हम स्ट्रिंग का के निकाल कर फिर उसको उसी तरह से लगाएंगे जैसे आप स्प्रिंग लगाते हैं। नोट किया, हाँ देखिए अगर ये दो मास M1 और M2 ये स्प्रिंग से अटैच कर दिए जाएं तो इनका डेरिवेशन तो नहीं हम करा रहे हैं, इनमें जिन लोगों ने ग्रेविटेशन ठीक से किया है उसके कम्पिटिटिव में हमने बताया है फिजिक्स में एक रिड्यूस्ड मास सिस्टम चलता है, उसमें इन दोनों के मास का जो कम्बिनेशन है वो पैरेलल से निकाला जाता है, ये कई जगह फिजिक्स में यूज होता है। और वही टाइम पीरियड का फार्मूला जो आप अभी यूज कर रहे हैं क्या है, टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एम ओवर के, उसमें ये मास एम डाल दो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा, समझ गए ना, तो रिड्यूस्ड मास सिस्टम बोलते हैं इसको, रिड्यूस्ड मास। अगर इसका कैलकुलस से और उससे ड्राइव किया जाए, डायरेक्ट इसलिए कर लिए जाते हैं कि नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, अगर कैलकुलस से निकाला जाए तो यही रिजल्ट आता है, समझ गए ना, इसलिए उसको एक सिस्टम बना रखा है रिड्यूस्ड मास सिस्टम। लिखा, एक फार्मूला और नोट करें, हमने जो थ्योरी अब तक पढ़ी है उसमें स्प्रिंग का मास नहीं लिया है, ठीक है ना, अगर स्प्रिंग का मास आपको गिवन है तो उसका मास वन थर्ड उसमें अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर खाली आप एक पॉइंट में नोट कर दें, इफ मास ऑफ द स्प्रिंग, इफ मास ऑफ द स्प्रिंग इज गिवन इज इक्वल टू एम एस ले रहा है, देन टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू टू पाई एम एस वाई थ्री
एम ओवर के, बाकी सब कुछ सेम है। इसका भी डेरिवेशन होता है, वन थर्ड मास अटैच हो जाता है। अगर स्प्रिंग का मास गिवन है तो ओके स्टूडेंट, हमने आज को आपको स्प्रिंग पेंडुलम से कनेक्टेड थ्योरी करा दी है। आगे न्यूमेरिकल में इसके कुछ और न्यूमेरिकल डालेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।